नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एवरेस्ट फिट कंपनी के बारे में। तो बहुत से भाई अलग अलग स्टेट से कमेंट करते हैं कि मुझे भी जो है ओला उबर में गाड़ी चलानी है, क्या किसी की गाड़ी भाड़े से मिल सकती है, हम कैसे आकर उधर काम कर सकते हैं। तो सोचा आज इस कंपनी के बारे में जो उबर में चलाने के लिए गाड़ी दे रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने मूव इंडिया कंपनी के बारे में बात किया था कि मूव इंडिया कंपनी किस प्रकार से काम करती है, तो उसका वीडियो आपने नहीं देखा तो आप जरूर से एक बार वो वीडियो जाकर देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि वो कंपनी कैसे है, आपको उस कंपनी से गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज हम एवरेस्ट फ्लीट कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं कि एवरेस्ट फ्लीट कंपनी किस प्रकार से काम करता है और इनका क्या चार्जेस है और आपको गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, बिना स्किप किए देखिए, ताकि आप अच्छे से समझ सके। और फिर भी आप नहीं समझ पाएंगे तो जरूर से मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मैं अपनी तरीके से कोशिश करूंगा आपको समझाने की, ताकि आप जो समझ पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपना कमेंट जरूर कीजिए। और आप नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए, ताकि आपको हर बार ऑल ओवर के बारे में तो ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट मिलती रहे। तो एवरेस्ट फ्लीट कंपनी जो है इसका उबर के साथ टाइप है। इसकी गाड़ियां जो है सिर्फ और सिर्फ उबर में चला सकते हैं और ये जो है आपको एस्प्रेसो गाड़ी देती है। ये गाड़ी आपको लेना है तो आपको क्या करना होगा, आपको 16,000 तो सिक्योरिटी अमाउंट उनको पे करना है और वो आपको एस्प्रेसो गाड़ी देंगे। एस्प्रेसो गाड़ी वो आपको देंगे तो आप उसको अपने पास रखकर आप उसको डे नाइट दोनों तरीके से आप चला सकते हैं। आप उस पर एक्स्ट्रा ड्राइवर रखना चाहते हैं तो भी आप रखकर चला सकते हैं, दो ड्राइवर रखकर भी आप गाड़ी चला सकते हैं। आप डे नाइट उसको कितना भी रगड़ेंगे तो भी चलेगा, आप उसको ठोक ठाक देंगे किधर तो भी चलेगा। सारा खर्चा एवरेस्ट फ्लीट कंपनी करेगी, सारा पेपर वर्क उनका रहेगा, सारा सर्विसिंग का खर्चा, सारा मेंटेनेंस का खर्चा कंपनी का रहेगा। आपको सिर्फ सीएनजी डालकर चलाना है, पैसे कमाना है और उनका हर दिन का कमीशन उनको देना है। तो चलिए अभी इनके कमीशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं चार्ट दे रहा हूँ, वो आप देखिए। इसमें कई प्रकार की गाड़ियां हैं, तो मुझे आप ये कमेंट करके ना पूछे कि वो वेगनार दे रहे हैं क्या, डिजायर दे रहे हैं क्या और दूसरी मॉडल दे रहे हैं क्या। आपको मैं स्पष्ट और क्लियर बता रहा हूँ, मेरा जब उनसे बात हुआ तो उन्होंने मुझे क्या बताया कि आपको एस्प्रेसो गाड़ी मिलेगी, आपको 16,000 सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ेगा। पर आप जब इनसे ट्रिप ले रहे हैं, यहाँ पर आप नीचे देखिए एक उनकी नोटिस है, उन्होंने क्या बताया है कि आपको ट्रिप एक्सेप्ट रेट जो है आपका 50% होना चाहिए और आपका कैंसिलेशन रेट जो है सिर्फ 7% होना चाहिए। यानी आपको 10 ट्रिप आई तो 10 ट्रिप में से आपकी 5 ट्रिप एक्सेप्ट करनी होनी चाहिए। मान लीजिए एक ट्रिप मैंने अभी ली, उसके बाद अगली ट्रिप आई वो मुझे अच्छी नहीं लगी तो उसको मैं स्किप कर सकता हूँ। आपको दिन में 10 ट्रिप आए तो आपको उसमें से 5 ट्रिप लेना है, 5 ट्रिप आप छोड़ सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। कैंसिलेशन रेट जो है वो 7% होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपने ट्रिप एक्सेप्ट किया लेकिन आपको मिल नहीं रहा कस्टमर, या फिर कोई और रीजन के वजह से आप उस ट्रिप को कैंसिल कर सकते हैं, तो उस ट्रिप को जो है आपको कैंसिलेशन रेट में वो आता है तो उसको आप जो है कैंसिल कर सकते हैं। ऐसा आपका कैंसिलेशन रेट सिर्फ 7% ही होना चाहिए, एक्सेप्ट रेट 50% होना चाहिए और कैंसिलेशन रेट 7% होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी गाड़ी आपको जमा करने के लिए बोलेगी। तो यहाँ पर आप पहला कॉलम देखिए, ये वीकली यहाँ पर लिखा है, वीकली आपको कितनी ट्रिप लेनी है, 0 से 30, यानी 30 ट्रिप आपको मिनिमम होना चाहिए और 31 से 59 और 60 से 69 और 70 से 84, ये जितना जितना आप ऊपर देखोगे जितना ज्यादा ट्रिप मारेंगे उतना आपका पर डे का चार्जेस कम होते जाएगा। यहाँ पर देखिए LXI मॉडल, एस्प्रेसो LXI मॉडल, तो यहाँ पर जो है आप अगर 30 ट्रिप कंप्लीट करते हो हर वीक में तो आपको पर डे का 850 रुपए आपको पे करना होगा। यहाँ पर आप देखिए, और आपको अपने अगर पर वीक में 31 से तो 59 ट्रिप आपने कंप्लीट किया तो आपको 800 रुपए हर दिन का पे करना है, और 60 से आपने 69 ट्रिप कंप्लीट किया तो आपको कितना करना है, 500। जितना ज्यादा ट्रिप आप करते जाओगे उतना कम आपका पर डे का जो चार्ज है वो होता जाएगा। यानी अगर आप डे नाइट 2 जन चलाते हो या फिर 3 जन चलाते हो, पूरा गाड़ी को खींचते हो, तो आपका जो आपका इनकम भी ज्यादा होगा और आपको यहाँ से तो आपका पर डे का चार्जेस भी कम होगा। तो ये आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसमें क्या है ना, मेहनत करना पड़ेगा। आप पर वीक में अगर
30 ट्रिप भी नहीं मार पा रहे हो तो मतलब ना के बराबर, मतलब काम तो मतलब कुछ किया है नहीं, मतलब मेहनत कुछ किया है नहीं, ऐसा हो जाएगा। यदि आप वीक में अगर 30 ट्रिप कंप्लीट करते हो तो आप उनको बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा। यदि आप भारत के कौन से भी स्टेट से हो और आप अगर मुंबई में आकर या फिर दिल्ली में आकर या किधर भी या फिर पुणे में आकर काम करना चाहते हो तो अगर 2 या 3 जन रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक जन डे में चलाए, एक जन नाइट में चलाए, तो आप दोनों भी बैलेंस करके चलाओगे तो आप कम से कम जो वीक का लगभग जो है 70 से 80 ट्रिप कंप्लीट कर सकते हैं आराम से, तो आपका अर्निंग भी ज्यादा होगा। दिन में अगर आप 10 ट्रिप कंप्लीट करते हैं तो लगभग आपका 2500 प्लस इनकम होगा, तो 2500 प्लस अगर इनकम होता है उसमें से आप जो है तो 700 का सीएनजी निकालते हैं तो भी जो है आपका अच्छा खासा बचता है, तो दिन का 1200-1300 का कमाई कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है, मुझे लगता है कि आप अगर आपको ओला उबर के बारे में एक्सपीरियंस नहीं है और आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आप जो है तो एवरेज फ्लीट से गाड़ी ले सकते हैं। आप एक्सपीरियंस लेने के बाद उनको गाड़ी दीजिए, 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद आपका जो है पैसा रिफंड होगा। तो मैंने कई ड्राइवर भाइयों से बात किया तो उन्होंने बोला कि वो अच्छा है, वो रिफंड देते हैं, ऐसा मुझे अभी तक मिला है। आपके साथ कैसा हुआ आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपने एवरेज फ्लीट से गाड़ी ली है तो, ताकि मैं और भी ड्राइवर भाइयों को इसके बारे में बता सकूं। और आप जो मेरे व्यूअर है, मेरा वीडियो देखकर आप अगर गाड़ी ले रहे हैं तो जरूर से अगर मुंबई में है तो जरूर मुझे मिलने की कोशिश कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए और मैं आपको फोन नंबर दूंगा, हम बात करके मिलने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है आप जो अनुभव कर रहे हैं उसको हम दूसरों के साथ भी शेयर करें। जैसा कि कहते हैं कि शेयरिंग इज केयरिंग, तो ये अच्छी बात होगी। तो एक्चुअली ये जो है मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा है, पर थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। 2 जन रहेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर 1 जन भी है तो भी अच्छे से मेहनत कर सकते हैं। तो इसमें जो है मतलब एक्चुअली आप ऐसा सोच सकते हैं कि सिर्फ उबर में तो कैसा करें, सिर्फ उबर में तो ज्यादा ट्रिप्स नहीं आएगी, लेकिन ये एवरेज फ्लीट का जो है उबर का टाइप है, इसलिए जितना हमको बुकिंग आता है उससे कई ज्यादा बुकिंग जो है एवरेज फ्लीट गाड़ी वालों को आता है, क्योंकि उनका उबर के साथ टाइप है, इसलिए उबर जो उनको ज्यादा ट्रिप दे रहा है। तो उबर के साथ भी आप अच्छे से काम करके जो ट्रिप मार के अच्छा से अर्निंग कर सकते हैं। इसमें नुकसान हमारा है जिन्होंने खुद की गाड़ी ली है, क्योंकि हमें जो है अभी उबर कम ट्रिप दे रहा है, लेकिन आप जो है इसमें एक्सपीरियंस लेने के लिए तो कर सकते हैं और आप आगे जाकर एक्सपीरियंस लेने के बाद आप अपनी गाड़ी भी ले सकते हैं। तो मुझे लगता है ठीक ही है, तो आप चाहे तो ले सकते हैं या आपकी चॉइस है। आपको मैं इस कंपनी का नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां पर जाकर जो है तो उनको फोन कीजिए और आप गाड़ी लेने की कोशिश कीजिए, या फिर जो भी प्रोसेस है आप कीजिए। यदि आपके पास नई गाड़ी लेने के लिए पैसे नहीं है या फिर आपको भाड़े से गाड़ी भी नहीं मिल रही है तो आप इस कंपनी से गाड़ी लेकर चला सकते हैं और आपका अर्निंग कर सकते हैं, आपका काम कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।